नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना दिन भर की ताजा तरीन खबरों से आपको जोड़ते हैं। खबर 24 हर खबरों को आपको दिखाता है, उन खबरों की वजह से आम जनता तक वो बात पहुंचती है और उनकी समस्या हो या समाज के कोई काम हो या धार्मिक कोई काम हो, ऐसे कई खबरों में समावय बनाकर खबर 24 छः वर्ष से आपके बीच लगातार हर खबरों को दिखाने का कार्य करता है। झालावाड़ जिला और मंदसौर जिले के तमाम ग्रामीण अंचलों पर हमारी खबरें देखी जाती है और YouTube के माध्यम से घर घर तक हम पहुंच पाए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी सिटी में भवानी मंडी से। भवानी मंडी में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में अब असामाजिक तत्वों द्वारा धर्मों को लेकर कथित बयान और मारपीट को लेकर आज SDM कार्यालय के बाहर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बालू सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, दुर्गा शंकर ठेकेदार, जसवंत सिंह, दिनेश श्याम सिंह सिसोदिया, घनश्याम श्वेता मेहरा, वहीं महेंद्र ठेकेदार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात करते हैं झालावाड़ जिले के मनोर थाना से। मनोर थाना ब्लॉक में राज्य की विद्यालय सत्र के अंतिम दिवस बच्चों की परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। ब्लॉक के सभी विद्यालयों में राज्य सरकार के आदेश अनुसार मंगलवार को लगने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व सत्र 2021-22 के अंतिम कार्य दिवस में कक्षा 4, 6, 7 व 8, कक्षा 9 से 11 के बच्चों का परिणाम घोषित कर दिया गया। बच्चों के विद्यालय में वितरण मार्कशीट की गई, शिक्षकों द्वारा उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की, वहीं दिशा निर्देश भी दिए। आगामी सत्र में बच्चों के लिए विद्यालय 1 जुलाई व शिक्षकों के लिए 24 जून से खुलेंगे। मनोर थाना में भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा राजस्थान में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट व कथित बयान को लेकर CID की जाँच करने को लेकर राज्यपाल के नाम मनोर थाना के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिला मंत्री राधेश्याम वैष्णव ने बताया कि राजस्थान सरकार अप्रैल 2021 में जो कई जगह विगत दिनों से मारपीट झगड़े हो रहे हैं उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया और वहीं जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। बात करते हैं मंदसौर जिले के भैसुदा मंडी स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की समिति द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम में 12 मई से 16 मई तक आयोजित होंगे, जिसके मंदिर द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की पुण्यावृत्ति हवन द्वारा आज की गई। इस दौरान ओम शांति में सभी समाज के वर्गों द्वारा वहां दान पुण्य किया गया और 6 दिन से हवन शांति वहां चल रही है। बुजुर्ग टीचर के घर पे नकाबपोश लोग पहुंचे और उन्हें बंधक बनाकर जेवरात पर हाथ साफ किया। यानी कि मामला जो है मंदसौर जिले के नारायणगढ़ का बताया जा रहा है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के पास बस स्टैंड स्थित एक मकान में परिवार को बंधक बनाकर चोरी करने का मामला सामने आया। मामले में एक बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षिका के घर को निशाना बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ किया। वहीं भेदड़क घर में घुसे बदमाशों ने पहले परिवार के साथ मारपीट की, इसी दौरान उनको धमकाया गया, अंजाम दिया गया घटना को और यही रात को करीब उनके साथ बहुत बदसलूकी से मारपीट करते हुए नकदी वहां से चुरा ले गए। शिक्षिका सुशीला भाई के मकान पर बदमाशों ने वहां उन्हें निशाना बनाकर तोड़फोड़ भी की और उसके बाद परिजन जो है नारायणगढ़ के थाने में पहुंचे और वहां पर शिकायत की। देखिए पूरा मामला खबर 24 पर। कस्बे में रात को चोरी हुई है, उसमें करीब 2 लाख रुपए नगद और चांदी की चैन और चांदी का लॉकेट, सोने का लॉकेट, चांदी की पायजेब और कान के टॉप्स, गले की सोने की चैन, इतनी चीज़ें हैं। रात्रि को चोरों ने, जो एक रिटायर्ड शिक्षिका है आदरणीय सुशीला जी,
उनके घर पर धावा बोला है, उनके साथ मारपीट करी है और लाखों रुपये का सामान चोरी करके ले गए। आज हम सभी यहाँ वरिष्ठ कांग्रेसजन अजीत जी कुमार, बाबू भाई रामचंद्र जी करूँ और हमारे सभी कांग्रेस के साथियों के साथ में राहुल भाई अहिर सब के साथ में आज यहाँ पर थाने पे आए हैं और थाने पर हमने टी आई साहब से चर्चा करी है कि आप इस चोरी को चुनौती के रूप में लेते हुए इसे जल्द से जल्द ट्रेस करें। जिस प्रकार से आप घोड़ा चोरी की तरफ ध्यान देते हैं और मुलजिम को, अपराधी को, जिस प्रकार से आप तस्कर को जिस प्रकार से ढूंढ के लाते हैं, उसी प्रकार से इसको चुनौती के रूप में लेकर के और ऐसे चोरों को जो है तत्काल ट्रेस करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि अपराध करने वालों को जमीन में गाड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर मांग करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी, आप तो जो जमीन में छिप गए हैं अपराधी, उन्हें बाहर निकालिए, आप जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों से राजनीतिक लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साठगांठ है। इसी कारण से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और बड़ा दुख का विषय है कि अभी हमारे गुना की घटना है ना, तीन हमारे पुलिस अधिकारी वहाँ मारे गए हैं और धार में भी जो है पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई है, तो निश्चित रूप से कहने कही ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है और हम ग्रह मन। आज के समाचारों में इतना ही, और हाँ एक विशेष जानकारी, आने वाली 20 मई 2022 को खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन भवानी मंडी के मेला मैदान में हो रहा है। इसका सीधा प्रसारण खबर 24 के YouTube पेज और मंदसौर जिले के रिद्धि सिद्धि केबल नेटवर्क विनायक पर और झलावाड़ जिले के रेडियंट बॉक्स पर आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का चैनल नंबर है 24 और झलावाड़ जिले के रेडियंट बॉक्स का नंबर है 992। आप देखना ना भूलें, 20 मई साय 7 बजे से मेला मैदान से भजन संध्या का सीधा लाइव प्रसारण। आज के समाचारों में इतना ही, देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर 24 न्यूज, हर कदम आपके साथ। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीर बन जारा रे, बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाओ, साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ, छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा रहा रे, बन जा रहा रे।
We'll be right back.